हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न हाउ टू इंस्टॉल RODC फ्रॉम IFM। IFM स्टैंड फॉर इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। मान लीजिए आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो लोकेटेड है दिल्ली में। वहाँ पर एक DC है, उस पर आपने 1000 यूज़र्स, 200 ग्रुप्स, 100 GPOs, 100 OUs क्रिएट किए हुए हैं और आपको कुछ अदर लोकेशन पर RODC या फिर ADC इंस्टॉल करना है। तो ऐसे में आप ओवर द इंटरनेट अगर RODC क्रिएट करते हैं तो आपको नेटवर्क का काफ़ी बैंडविड्थ यूज़ होगा और साथ में आपकी कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट ट्रेवल करेगी। अब ऐसे में हैकर या अटैकर आपके डेटा को हैक करके उस डेटा का गलत यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ सर्वर 2012 में IFM फीचर्स ऐड किया था। IFM की हेल्प से आप अपने डोमेन का डेटा, मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव या USB हार्ड ड्राइव के थ्रू RODC या ADDC इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी रिमोट लोकेशन पर। तो दोस्तों, मैंने एक DC.com नाम से एक डोमेन क्रिएट किया हुआ है। उसका IP एड्रेस है 10.0.0.2। अब हम यहाँ पे कुछ OUs क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र से कंप्यूटर पर जाता हूँ। DC.com का जो मेरा डोमेन, उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक OU क्रिएट कर लेते हैं। मैं OU का नाम रखता हूँ मुंबई। और एक और OU क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं बेंगलोर। तो ये सारे मेरे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो OUs हमने क्रिएट किए हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे RODC सर्वर पे। मैं ग्रुप पॉलिसी को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप पॉलिसीज क्रिएट कर रखी हैं। GPO IPM की सर्विसेज की इनेबल कर रखी थी मैंने इस पर। उसके नाम से कुछ GPO क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी इस पर। अब हम यहाँ पर सिंपली कमांड पर पावर शेल ओपन करेंगे एडमिन के उससे, एडमिन यूज़र से। यहाँ पे हमें कुछ कमांड चलानी होगी, तो वो कमांड मैंने नोट पेड पर राइट डाउन कर रखी है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। जो हमारी पहली कमांड है वो है NTDSUTIL। इसको हम रन करते हैं। अब हमें यहाँ पर टाइप करना होगा एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर टाइप करना होगा IFM और एंटर करना होगा। अब यहाँ पे हमें एक फोल्डर को फुल एक्सेस देना है, तो हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एक IFM के नाम से अपने सी ड्राइव में। और वाला फोल्डर का पाथ हम यहाँ पर देंगे जहाँ पे हमारा मीडिया फाइल, हमारी डोमेन की सारी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे सेव हो जाएंगे इस कमांड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे वो टाइप कर देता हूँ क्रिएट सिसवॉल फुल। और जो हमने फोल्डर बनाया था उसका यहाँ पे पाथ दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रिएटिंग स्नैपशॉट आ गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैसेज आ रहा है IFM मीडिया क्रिएटेड सक्सेसफुली इन फोल्डर। जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था वो फोल्डर हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो भी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की फाइल्स हैं सारी यहाँ पे कॉपी हो गई हैं। यहाँ पे तीन फोल्डर दिखा रहा है एक्टिव डायरेक्टरी सिसवॉल के अंदर देखिए हमारा DC.com का फोल्डर है। इसमें हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी पॉलिसीज वहाँ पे क्रिएटेड हुई हुई हैं। जो भी हमारी डोमेन की फाइलें सारी यहाँ पे कॉपी हो गई हैं। अब इस फोल्डर को हम पेन ड्राइव के थ्रू या फिर हमारे पास सेम नेटवर्क में हैं तो मैं इसको शेयरिंग फोल्डर पर डाल देता हूँ। और अपने जो हमारा RODC सर्वर है, इस पर हम RODC सर्वर क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाया था अपना RODC सर्वर। देखिए अभी इसकी IP एड्रेस ये है। इसको मैं अपना डोमेन से पिंग करके देख लेते हैं कि डोमेन पिंग हो रहा है या नहीं मेरा यहाँ पर। तो डोमेन से मेरा पिंग आ रहा है DC.com से। अब सिंपली हम वो फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। अभी मैंने फोल्डर शेयर नहीं किया, तो मैं फोल्डर शेयर कर देता हूँ।
अपने dc.com पर जाकर। इस फोल्डर को हम फुल परमिशन दे देते हैं और इसको हम ओके ओके कर देते हैं। तो हमारा ये फोल्डर शेयर हो गया है। अब इसको हम अपने जो RODC सर्विस पे हम क्रिएट करने वाले हैं वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सिंपली हम डैशबोर्ड जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे और अपना ADDS का रोल यहाँ पे हम इनेबल कर देंगे। सिंपली इसको नेक्स्ट करते हैं विजार्ड में। और यहाँ से वो रोल हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है एडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं हम सिंपली नेक्स्ट करके। तो दोस्तों मेरा ADDS का रोल इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे RODC सर्वर पे। तो सिंपली मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ, यहाँ पे परमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन ऐड न्यू टू। अभी हम इसी पे क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ से मैं सेलेक्ट पर जाता हूँ। यहाँ पे अपने dc.com का एडमिन का जो मैं क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं administrator@dc.com। अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों मेरा dc.com रिट्रीव हो गया है। इसको ओके करके सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है रीड ओनली डोमेन, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ डिटेल्स आ रखी हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, तो अभी हमें मीडिया से इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसके चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे, चेक मार्क पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मुझे वो पाथ प्रोवाइड कराना होगा जो जहाँ पे हमने अपनी IFM की फाइलें कॉपी कर रखी है डोमेन की। ये देखिए IFM का एक फोल्डर मैंने कॉपी किया हुआ था, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और सिंपली नेक्स्ट करते हैं एंड अगेन नेक्स्ट करते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरी समरी पूरी आ गई है कहाँ से हम फाइल कॉपी मतलब हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो RODC कहाँ से इंस्टॉल हो रहा है। अब सिंपली इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और मेरा देखिए डोमेन कंट्रोलर स्टार्ट हो गया है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपना डोमेन कंट्रोलर या RODC IDC इंस्टॉल कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।